बारिश ने पूरा देश में मचाया कहर, 5 राज्यों में 45 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे रहना होगा सतर्क। मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी का कार्यक्रम शुरू, कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी और शाह ने भरी हुंकार, 2019 से पहले 2018 में फतह की तैयारी। नेताओं के कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया फैसला, कहा नेताओं को बतौर वकील प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता। शराब कारोबारी विजय माल्या ने ईडी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ईडी की वजह से नहीं लौटा पाया बैंकों का बकाया कर्ज। और बाजार में नहीं थम रहा गिरावट का दौर, सेंसेक्स 100 अंक के साथ नीचे पहुंचा, निफ्टी में भी गिरावट जारी, अंतर्राष्ट्रीय हालातों का दिख रहा असर। नमस्कार, नेशनल लाइव आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी बारिश का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारी बारिश ने पूर्व उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक में तबाही मचा दी है। 5 राज्यों में भारी बारिश से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ बताएं आपको, जम्मू कश्मीर में भी हालात बारिश के बाद बेहद खराब हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश और ज़्यादा हालातों को बिगाड़ सकती है। अब तक की बात करें अपडेट की, तो अब तक 45 लोगों की जान इस बारिश के चलते 5 राज्यों में चली गई है। उधर केरल की बात की जाए तो केरल में भी हालात बेहद खराब हैं। केरल में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने इडुक्की और वायनाड जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केरल सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि पथनामथिट्टा, इडुक्की और वायनाड जिलों में 25 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि केरल अभी भी बाढ़ की मार झेल रहा है। अभी तक केरल उससे नहीं उबर पाया था कि भारी बारिश की चेतावनी ने खतरा और बढ़ा दिया है। केरल में 29 मई को आई पहली बाढ़ के बाद से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित अलप्पुझा, एनारकुलम और त्रिशूर में लोगों की जिंदगी हुई है। यहाँ पर अभी तक लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है। भोपाल के जंबूरी मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित किए जा रहे कार्यकर्ता महाकुंभ मेगा रैली में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। यहां पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि मैं तो घोषणा मशीन हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी तो फन मशीन हैं। साथ ही साथ बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि वो मध्य प्रदेश है जहां बच्चियों के साथ क्रूरता करने वालों को देश में सबसे पहले फांसी का कानून लागू किया गया। उन्होंने कहा कि हम गौरवान्वित होते हैं जब प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ करते हैं। आपको बता दें कि इस महाकुंभ रैली के जरिए बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने की तैयारियां करने में जुट गई है, क्योंकि यहीं से 2019 की रणनीति तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए फंडिंग को रोक दिया है। 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन योजना के निर्माण में गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों से जमीन अधिग्रहण का मामला विवादों में है। इस विवाद को देखते हुए जहां केंद्र सरकार ने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है, वहीं जापानी कंपनी ने फंड रोकते हुए कहा कि मोदी सरकार को पहले किसानों की समस्या से निपटने की जरूरत है। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन वो प्रोजेक्ट है जिसके जरिए
बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले देश की जनता को बताया था कि कैसे वो जनता को बुलेट ट्रेन में घुमाएंगे, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा विवादों में घिरता नजर आ रहा है। किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर जापानी कंपनी ने उस फंड को रोक दिया है जो बुलेट ट्रेन बनाने के काम, स्टेशन बनाने के काम आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने नेताओं को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सांसद और विधायकों को बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि राजनेता कोई पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता। यह फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए आया जिसमें नेताओं के वकालत करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में अपना पक्ष साफ करते हुए ये कह चुकी है कि पेशे से वकील सांसद और विधायकों को प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर ऐसे कोई सांसद किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाने में शामिल होते हैं तो उन्हें उस कोर्ट में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं उस भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की जो देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। सोमवार को विजय माल्या ने पीएमएलए कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी ने उसे बैंकों का बकाया कर्ज लौटाने नहीं दिया। आपको बता दें कि इस समय माल्या यूके में है। अपने वकील के माध्यम से माल्या ने पीएमएलए कोर्ट में जज एमएस आजमी के सामने ईडी के एक एप्लीकेशन का जवाब दिया और ये बात कही। आपको बता दें कि विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी की सुनवाई के दौरान विजय माल्या ने अपने जवाब में कहा वो पिछले 2-3 सालों से बैंकों का कर्ज लौटाने की कोशिश कर रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद ईडी ने ऐसा नहीं करने दिया, वो बार बार रोड़े अटकाते रही। गौरतलब है कि ईडी ने मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में माल्या के खिलाफ 22 जून 2018 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने की अर्जी दाखिल की थी और इसके बाद ही विजय माल्या का ये बयान सामने आया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां निवेशकों ने खून से लिखे पोस्टरों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में मार्मिक प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रीन टच नाम की एक कंपनी ने निवेशकों के 150 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर वो फरार हो चुकी है। आगरा के लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज कराया, लेकिन कंपनी के खिलाफ हुई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, लिहाजा निवेशकों ने खून से लिखे पोस्टर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि इस कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो इनका पैसा लेकर भाग गई है। ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड सॉवरेन मल्टीपर्पज सोसाइटी आगरा से पिछले एक साल से ऑफिस भी बंद कर दिया है और 1000 करोड़ रुपया लेकर कलकत्ता भाग गए और इस चीज को हमको आगरा में 6 FIR भी हो चुकी है। अभी तक कंपनी मालिकों की, संचालकों की किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी मांग को लेकर के हमारी धनराशि वापस की जाए, उसको लेकर के आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को माध्यम से और प्रधानमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस कराया जाए या हमें आत्महत्या की अनुमति दी जाए और कंपनी संचालकों को गिरफ्तार किया जाए। चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हर सरकार का दावा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है और इस शिक्षा को सुधारने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा के स्तर में कोई भी बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि हापुड़ के हाफिजपुर का हरसिंहपुर गाँव बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का गोद लिया हुआ गाँव है। गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, लेकिन दबंग टीचर बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू पकड़ा देते हैं। कक्षाओं में झाड़ू लगाते हैं बच्चे
और सफाई भी बच्चे ही करते हैं, और जब बच्चे ऐसा नहीं करते तो टीचर उनकी पिटाई तक करते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब सांसद साहब का गोद लिए गांव में इस तरह से बच्चों के हाथों में झाड़ू पकड़ा दी गई है, तो ज़रा समझना मुश्किल नहीं है कि और प्राथमिक विद्यालयों का हाल क्या होगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, बच्चों को आप क्लासरूम में झाड़ू लगाते देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तमाम बड़े नेता अभिनेता वो भी स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक ग्रहण करने आए इन मासूमों के साथ मास्टर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जवाब कोई भी नहीं दे पाता। ऐसी तस्वीरें लगातार हर जगह से तरह तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं लगती। कौन कहता है झाड़ू लगाने के लिए? मैडम कहती हैं तो आप यहाँ पढ़ने आते हो, झाड़ू लगाने आते हो? पढ़ने आते हो तो आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? कौन सी मैडम बोलती हैं? हैं? निशा मैम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो यहाँ पे? भदोही में एक कालीन गोदाम में लगी आग के चलते रॉ मटेरियल और कालीन सामग्री जलकर राख हो गए। धुआं उठने पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस गोदाम में आग लगी। इस आग में लगभग 15 लाख का मटेरियल जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। लमसम भाई 15 से 18 लाख रुपए का नुकसान इस गोदाम था। मेरा गोदाम था, बात में सर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई है, जिससे पूरा मटेरियल मेरा जल गया है। इसका बिल पुर्जा सब एक नंबर से मेरे पास है, सब एक नंबर का माल है। कितने का नुकसान हुआ होगा? लमसम 15 से 18 लाख के आजूबाजू। आग कैसे बुझी थी? आज फायर ब्रिगेड आया था, फोन गया था, फायर ब्रिगेड आया था, तो आग बुझा कर हो गई है। सारा मटेरियल जल गया है, एक भी मटेरियल यहाँ बचा नहीं है जिससे किसी यूज में ले सके। कोई यूज का सामान नहीं है, जैसे देखो जितना सारा मटेरियल था सब जल गया, कोई चीज बचा नहीं। सोशल मीडिया के दौर में कौन सी चीज कब और कहाँ वायरल हो जाए कोई नहीं बता सकता। तमाम तरीके के चैलेंजेस सोशल मीडिया पर आते हैं और लोग उन्हें करते भी हैं, और वो मीडिया में सोशल मीडिया में छा भी जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो गाजियाबाद से सामने आया है जो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए। जी हाँ, तो देखा आपने रात को दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की यह तस्वीर है जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अब देख सकते हैं कि ये लड़के आखिर कैसे एक कार और बाइक के बीच खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो गाजियाबाद की बताई जा रही है। आप देख रहे हैं कि ये युवक कितना खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इस वीडियो ने पूरे गाजियाबाद में हलचल मचा रखी है। आपको बता दें कि ये एक वीवीआईपी हाईवे है, क्योंकि इस हाईवे से तमाम सत्ता से जुड़े लोग और बड़े अफसर सफर करते हैं। दरअसल इस वीडियो को सोशल साइट पर अजय नाम के युवक ने अपलोड किया है, तो आइए दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर एसएसपी का क्या कहना है। अब बिल्कुल ऐसे जो चीज़ें हैं वो जान का खतरा है। युवक जो है उनसे भी हम लोगों की अपील है कि इस तरीके का ना करें। एक्सीडेंट इससे होता है, जनमानस की हानि होती है, और पुलिस को ऐसा कहीं भी मामला संज्ञान में आएगा तो तुरंत ऐसे वाहनों को रोक के सीज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये स्टंट दिखने में बहुत आसान होते हैं, पर जाने कितने लोग इसी ना समझी में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। पर ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कुछ ना करे, जिसकी वजह से
उनकी जान चली जाए। नेशन लाइव के लिए मनोज सिंह के साथ भूमिका शर्मा की रिपोर्ट। इलाहाबाद के तेजपुर गांव में पक्के तालाब में दो लड़कियों का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर मऊआईमा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस की माने तो तालाब में डूबने से लड़कियों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन दोनों की हत्या किसने की। राजस्थान के सिरोही जिले के स्वरूपगंज में कांग्रेस का संभाग स्तरीय आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने शिरकत की। सभा स्थल पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बताया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार होने के बाद भी उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, इससे राजस्थान का विकास रुक गया है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे गौरव यात्रा निकाल रही हैं, लेकिन इस यात्रा की जगह पर इसका नाम हिसाब यात्रा होना चाहिए। वहीं इस मौके पर AICC महासचिव मोहन प्रकाश, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी जी भी क्षेत्र में आए थे, दालोर में, आसपास के क्षेत्र में, जहां जहां नुकसान हुआ हमारी कोशिश थी कि हम मानवता के आधार पर लोगों की मदद करने का काम करें। और आज वसुंधरा जी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, डोभालन का मंत्रालय बनाया हुआ है, उस मंत्रालय का बजट क्या है, उसका दफ्तर क्या है, और जयपुर के हिंगोनिया में हजारों गाय तड़प तड़प कर भूखी प्यासी मर गई, उनका जवाब देने को तैयार नहीं। पिछले हफ्ते हुए ILNFS क्राइसिस के बाद से ही शेयर बाजार सहमा हुआ है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे विपरीत हालातों की वजह से भी बाजार में गिरावट का दौर जारी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक नीचे आने के बाद इसमें गिरावट कम हुई, तो वहीं निफ्टी की बात करें तो ये भी 11.10 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती कारोबार में यस बैंक, HCLTech, सनफार्मा, कोल इंडिया और टेक महिंद्रा के शेयर हरे निशान के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टाटा स्टील और BPCL के शेयर लाल निशान के नीचे कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल नेशन लाइव के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।